सूरज की पहली किरण हर दिन एक नई सुबह और एक नया उजाला लेकर आती है और संसार को रोशनी से भर देती है। वैसे ही इस संसार में बच्चे नई उम्मीदों का उजाला लेकर आते हैं। बच्चों की हंसी और किलकारियां हर आंगन को खुशियों से भर देती हैं। ममता की छांव में पलता बचपन, खेल के रोमांच में खोया बचपन, पल पल बढ़ता बचपन, मन मौजी बचपन, हंसता खेलता उछलता गिरता संभलता बचपन, कुछ नया जानने की चाह, हर खेल में एक नया रोमांच, उनकी हर खिलखिलाहट हर बात एक नया अनुभव है। माँ की गोद बच्चों के लिए स्वर्ग के समान है और एक माँ के लिए उसके बच्चे उसका सारा संसार है। माँ की बाहों में आते ही हर बात हर दर्द भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही बचपन कहीं खो जाए, कोई चुरा ले जाए, छीन ले जाए, रह जाते हैं बेबसी के आंसू जिनकी कोई कीमत नहीं। बचपन पर आज के इस दौर में बाल तस्करी का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से अनजान है बचपन। 18 साल से कम आयु यानी कि किशोर अवस्था तक का समय बचपन कहलाता है। दुनिया की 30% आबादी किशोर अवस्था में है और भारत में लगभग 24 करोड़ किशोर हैं। 73% किशोर ग्रामीण इलाके में रहते हैं जबकि 27% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। A report says that 20,000 women and children last year were trafficked by the traffickers. Every day is dangerous. Every second is dangerous. Every minute is dangerous for the children who are entangled into slavery even now. Slavery has not ended. Slavery is trafficking. Trafficking is slavery. कुछ बच्चे मानव तस्करों के हाथों में पड़ जाते हैं और अक्सर घरेलू नौकरी या कड़े परिश्रम या संघर्ष में जूझने को मजबूर हो जाते हैं। अकेला उदास सपनों से विहीन बचपन जिसमें ना किसी कल की उम्मीद है ना आज की कोई आस। बचपन को हालात ने मजदूर बना दिया है, यही मानव तस्करी का भयावह रूप है। बच्चों की तस्करी की जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है। काम के बोझ में दबा अवहेलना और तिरस्कार का आदि बचपन सड़कों पर बूट पॉलिश करता है। सिर्फ पैसे के लिए तिरस्कार की अनदेखी लाठी की चोट बाल मन पर गहरे घाव बना देती है। गहन पीड़ा से उदास इस मन को प्रेम और ममता से पाला जाना चाहिए था, पर नियति ने इन हाथों में पढ़ाई की जगह कड़ी मेहनत और बेबसी लिख दी। A child was making jeans that you wear, the packets, he was packing that up, and for 4 years he did not see the sun. He was sitting in the same corridor, in the same room, eating, sleeping, and working on those jeans packets. He was 7 then. He's 10 now. When he first saw the first ray of sun, it was like the first ray of hope.
he could not take the brightness. He was disturbed. Something was itching him. He could not take the brightness. How unfortunate are we in the country that our children have lost the faith in brightness. They've never seen a better childhood. कहीं गरीबी और लाचारी में कैद बचपन, कहीं बर्तन धोता है, घर के हर काम को एक बोझिल जिम्मेदारी की तरह निभाता चला जाता है। इन बच्चों में ना उठ खड़े होने की चाह है, ना ही स्वाभिमान से जीने की चाह। काम करते रहना ही इन्होंने स्वीकार कर लिया है। मानवता से हारे इन बच्चों को कच्ची उम्र में ही एक नौकर के तौर पर पाला जाता है। वहीं इसका सबसे बुरा पहलू ये है कि मासूम बच्चों को न्यूनतम राशि में बेच दिया जाता है। Trafficking in terms of woman trafficking or child trafficking. We also see cases of bride trafficking. Women are being sold as wives. They are sold in much lesser price than an animal. That is the most difficult situation of trafficking. And this is the issue which is so serious. Bachpan ऐसे अंधकार में चला जाता है जिसका कोई अंत नहीं, और बच्चों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। बाल तस्करी गिरोह अपराध और भ्रष्टाचार में इतनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं कि ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितने बच्चे पीड़ित हैं। लेकिन दुनिया भर में साल दर साल बच्चों के लिए तस्करी और शोषण का जोखिम बढ़ रहा है। हर दिन सामने आ रहे समाचारों के मुताबिक बाल तस्करी भारत में और दुनिया भर में फैल चुकी है। दुनिया भर में संगठित अपराध के लिए पैसा बनाने का ये तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। गरीब परिवारों के बच्चे ही बाल तस्करों के शोषण का शिकार बनते हैं। हजारों बच्चों को कम आयु में काम करते देखा जाना समाज के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। ऐसे बच्चे अपने इस जीवन को स्वीकार कर लेते हैं और उनमें ना जीवन की चाह रहती है और ना उनके सपनों में उड़ान। बाल तस्करी मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। दिल में मेरी थी, दिल में मेरी है, ख्वाहिश जो तुम से
इसमें कोई संदेह नहीं है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ कई बच्चे पुनर्वासित किए जा रहे हैं। भारत से बाल तस्करी रोकने के लिए कई योजनाओं के तहत कदम उठाए गए हैं ताकि अपराध को रोका जा सके, ताकि उनके खोए सपनों को फिर से जीवित किया जा सके और उनमें आत्मनिर्भर बनने की चाह को जगाया जा सके। जैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव के लिए नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे ही कई सरकारी संस्थाएं बाल तस्करी रोकने और तस्करों के शिकार बच्चों को फिर से जीवन की राह दिखाने का काम कर रही हैं। आइए हर नन्हे मुन्ने को जीने का मकसद बताएं, हर एक नन्हे का भविष्य चमकाएं और खोए हुए इन तारों को फिर से बचपन की चमक लौटाएं, एक उज्जवल कल बनाएं, क्योंकि तारे चमकने के लिए हैं, खोने के लिए नहीं। दिल में मेरे।